भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड बाय डॉक्टर बसंती लाल बाबिल। आज हम भाग वन पार्ट वन अध्याय वन चैप्टर वन दंड विधि का इतिहास हिस्ट्री ऑफ पिनल लॉ के बारे में पढ़ने वाले। डे टू, तो सबसे पहले एक कोटेशन है, अन्याय सह के मौन रहना यह एक महान दुष्कर्म है, मतलब गलत, और अन्यार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। कोटेशन बाय रश्मिरार्थी। जैसे महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन का कहना था कि ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनसे कैसे लड़ सकता हूँ, तब वासुदेव श्री कृष्ण ने तब उस समय उन्हें समझाया कि ये तुम्हारा धर्म है कि तुम्हें उनसे लड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। आईपीसी मतलब दंड साहित्य। दंड साहित्य मतलब किसी को सजा कैसे दिया जाएगा, और इसका इतिहास ऑथर बताते हैं आज से नहीं, बहुत पुराना है। दंड एवं न्याय की व्यवस्था अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। आरंभ से ही अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया जा रहा है। मनु, नारद और यज्ञवात्स्य ऋषि मुनियों ने भी अपने धर्म साहित्य में दंड का उल्लेख किया है। मनु ने अपने मनुस्मृति में अपराध को महापातक, अनुपातक, उपपातक आदि तीन भागों में विभाजित करके कठोर दंड की व्यवस्था की है। उस समय और आगे बताते हैं, वो विधि के अभाव में ही राजा को ही विधि एवं न्याय का स्रोत समझा जाता था। राजा ही विधि को बनाते थे, उसे लागू करते थे एवं उसे उनकी अवहेलना की जाने पर दंड देने का पूरा अधिकार था। प्राचीन काल में दंड साहित्य पूरे राजा के कंट्रोल में रहता था। उनकी वो जो बोले वही दंड संहिता होता था। कई बार लिखित में होता था और कई बार जो राजा बोले वही न्याय होता था, और राजा की आज्ञा का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य था। नारद ने तो यह तक कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बी वॉट एवर द किंग इज टू बी ओबेड। फिर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आगे ऑथर कहते हैं, उसमें स्वार्थ की प्रवृत्ति निहित होती, मतलब स्वार्थ होता ही है। यह स्वार्थी प्रवृत्ति के अनेक प्रकार के कलह एवं विवादों को जन्म देती है। यदि इस स्वार्थमय प्रवृत्ति पर किसी तरह का नियंत्रण स्थापित नहीं किया जाए तो समाज में अराजकता, अव्यवस्था पर्याप्त होने का भय रहता है, जैसे कि हॉब्स ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। इस व्यवस्था एवं अराजकता की स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए आगे चल के विधि का निर्माण किया गया, और यहाँ से हमारा दंड विधि का इतिहास प्रारंभ होता है। आगे एक कोटेशन दिया गया है कि पापी जनों को दंड देना चाहिए समुचित सदा, वर वीर क्षत्रिय वंश का कर्तव्य है सर्वदा। जयचंद्रवाद प्रथम सांग ने इस कोटेशन को कहा है। इस प्रकार की विविध अपराधों एवं दंड की व्यवस्था अपराध विधि लॉ क्राइम के अंतर्गत की गई है। भारत में भारतीय दंड संहिता 1816, द इंडियन पिनल कोड के अपराध विधि 1860 में अपराध विधि की स्थापना की गई थी, जब हम पर ब्रिटिशर्स राज करते थे, उस समय का है ये। और बाद में हमने इसमें बहुत सारे अपने हिसाब से इसमें संशोधन। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और इन डेप्थ बात करेंगे हम। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।